नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एथर इंडस्ट्रीज के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो 10% की तेजी देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों आप कह भी सकते हैं कि आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी देखने को मिली, वहीं पर दोस्तों मतलब एक सेक्टर की बात करें, पूरे सेक्टर की बात करें केमिकल सेक्टर का, तो स्ट्रगल कर रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो कि देखा जाए तो अभी रिकवरी दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर इस कंपनी की बात करें तो तेजी दिखा रहे हैं। हालांकि दोस्तों एक तरफा तेजी नहीं कर सकते, फिर भी कुछ दिनों की बात करते एक तरफा तेजी आप कह सकते हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी में न्यूज की बात करें दोस्तों, तो हालांकि ये न्यूज आप पुराना कह सकते हैं। कंपनी 750 करोड़ का जो है कि फंड रेज करेगी, तो फंड रेज किसी कारणवश से किया जाता है जो कि QIP के थ्रू किया जाएगा, मतलब क्वालिफाइड इन्वेस्टर के थ्रू जो कि 750 करोड़ का निवेश किया जाएगा, मतलब माफ़ करना फंड रेस किया जाएगा, जिसके कारण स्टॉक में तेजी देखने को मिले। हालांकि दोस्तों स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। तो अभी क्या करना चाहिए दोस्तों, जिससे रिटर्न बात करेंगे एथर इंडस्ट्रीज के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन 10% की तेजी दिखाया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने पूरी तरह से जो है कि मतलब 100 पॉइंट की तेजी दिखाया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 10% की तेजी, यहाँ पे जो तेजी के पीछे का रीजन है दोस्तों, मतलब एक तरफा तेजी देखने के बाद दोस्तों स्टॉक ने कंसोलिडेट ही किया है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो आखिरी क्षण तक स्टॉक ने तेजी दिखाया है। वहीं पे अगर हम कंपनी की आज की हाई की बात करेंगे दोस्तों, तो 1104 रुपये का है, जो कि यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों तो 1104 रुपये ही देखने को मिलेगा, जो कि इसके पहले ये कंपनी 750 के आसपास चल रही थी। हालांकि दोस्तों अगर हम कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो मतलब बहुत सारे केमिकल सेक्टर वाली कंपनियों की बात देखिए दोस्तों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी कंपनी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है। तो ऐसे में देखा जाए दोस्तों, तो ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। तो हमने बहुत सारे पास्ट केमिकल कंपनियों की बात करें दोस्तों, तो मतलब जिस समय वो मार्केट में आते हैं तो एक तहलका मचाते हैं, तो उसके बाद कुछ देखा जाए तो उनका परफॉर्मेंस जो है कि स्लो होते हुए दिखता है। तो उस पॉइंट से देखेंगे दोस्तों, तो इस कंपनी का भी जो अभी तक का परफॉर्मेंस है, हालांकि हम अभी रिसेंट की परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का परफॉर्मेंस आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अगर देखेंगे भी दोस्तों, तो ये कंपनी जस्ट अभी भी 3 जून 2022 को ये कंपनी आती है। पूरी तरह से मतलब कह सकते हैं कि एक साल हो चुके हैं। हालांकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कंपनी अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा दिखाती है। इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं कि अभी कंपनी ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो कंपनी किसी समय में ऑल टाइम हाई पे थी, तो उसके बाद गिरावट दर्ज किया, जो कि अभी जा करके कंपनी ने रिकवर किया है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई थी, इस हिसाब से देखा है तो कंपनी में कितने वैल्यूम बन रहे हैं, तो उसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहले कंपनी 10% की तेजी दिखाया है। हाई की बात करें तो आज ही के दिन कंपनी ने हाई अचीव किया है। लो की बात करें तो 20 जून, मतलब पूरी तरह से एक साल बाद कंपनी ने कह सकते हैं कि आप पैसे को डबल तो नहीं कर सकते, फिर भी जो है कि मतलब एक नया हाई जरूर लगा दिया। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी में लगभग 7 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 35% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया, जो कि आप देख भी सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख कह सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी जो है कि एथर जो कि लॉन्च करेगी QIP टू रेस 750 करोड़ जो है कि सेट फ्लोर प्राइस की बात करें तो 936 रुपये रखा गया है। मतलब जो QIP मतलब जो इन्वेस्टर है दोस्तों, क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं दोस्तों, उनकी बात करें तो 636 रुपये में उनको शेयर मिलेंगे। मतलब देखा जाए तो स्टॉक इस समय कितने पे चल रहा है, 1100 के ऊपर, और कंपनी की बात करें मतलब बहुत ज़्यादा उनको डिस्काउंट पे अवेलेबल है। स्टॉक में एक तरफा तेजी भी आप कह सकते हैं। मतलब न्यूज़ की बात करें तो जैसा कि हमने देख लिया 750 करोड़ कंपनी फंड रेज करेगी, और अगर हम देखा जाए तो एक दिन पहले का न्यूज़ है, तो उस हिसाब से देखा तो स्टॉक अप ही दिखाया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि स्पेशलिस्ट केमिकल एंड फाइन मतलब फाइन केमिकल मैन्युफैक्चर एथर इंडस्ट्रीज मंडे जून को जो है कि लॉन्च किया था क्वालिफाई मतलब जो इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है दोस्तों, जिनका मतलब फुल फॉर्म होता है QIP का फुल फॉर्म क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, मतलब क्वालिफाई इन्वेस्टर भी आप कह सकते हैं, इश्यू टू रेस लगभग 750 करोड़ कंपनी रेस करेगी। सोर्स प्राइवेसी की बात करें, द डेवलपमेंट टोल्ड CNBC में जो है कि मतलब प्राइवेसी के लिए कंपनी जो है कि डेवलपमेंट के लिए पैसा यूज करेगी। द फ्लोर प्राइस की बात करें 936 रुपये उनके लिए फिक्स रखा गया। कंपनी का जो मेन बिजनेस है आपसे बताना चाहते हैं कि सूरत बेस्ड बिजनेस है दोस्तों, मतलब सूरत में इस कंपनी का ज़्यादा ही फोकस देखने को मिलता है। ये कंपनी मतलब प्रोड्यूसिंग एडवांस इंटरमीडिएट एंड स्पेशलिस्ट केमिकल इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशिएटेड केमिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी कोर कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे भी देखें दोस्तों, द प्रोडक्टिव फाइन एप्लीकेशन इन द फार्माक्यूटिकल एग्रोकेमिकल मटेरियल्स साइंस कोटिंग हाई परफॉर्मेंस मतलब फोटोग्राफी एडिटिव्स। मतलब देखा जाए तो देखिए, जो कंपनी बिजनेस करने जा रही है, मतलब जिस टाइप का कंपनी केमिकल बनाती है, तो सूरत में देखा जाए तो एक प्रकार से फोटोग्राफी की बात करें जो कि टेक्सटाइल मार्केट है दोस्तों, हालांकि यहाँ पे ऑयल एंड गैस तमाम जो है कि मतलब देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से देखा तो जो कंपनी का बिजनेस है दोस्तों, आने वाले समय में हो सकता है कि ग्रो कर सकता है।
हालांकि दोस्तों एक चीज़ को और भी नहीं भूलना है, मतलब क्या है कि देखिए दोस्तों जिस सम मतलब ये स्टॉक मार्केट के हिसाब से आपको कोई नई कंपनी दिख रही होगी, नया बिजनेस दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन आपसे बताना चाहिए कोई भी कंपनी दोस्तों उनका देखा है तो मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन देखने को मिलता है। तो इस कंपनी की बात करते, ये भी कंपनी एक प्रकार से स्पेशल केमिकल बनाती है दोस्तों, मतलब केमिकल सेक्टर भी एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जिसको भी मतलब देखा है तो ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं दोस्तों, कंपटीशन जितना हैवी देखने को मिलता है। तो उस हिसाब से अगर हम कंपनी की बात करें तो इसकी अगर मतलब जो लाइसेंस की बात करें तो सबको प्रोवाइड भी नहीं होते हैं। हालांकि दोस्तों लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर से जो है कंपनी के पास लगभग 72% का रेवेन्यू आता है, वहीं पे ये कंपनी एक मिड कैप टाइप की कंपनी आप कह सकते हैं, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी कह सकते हैं। कंपनी ने हाई लो आज के दिन देख ही लिया, लेकिन हाँ दोस्तों इसमें जो इस समय मतलब जो रिस्की पॉइंट है दोस्तों, जो कि अभी हम देख रहे हैं QIP के थ्रू जो है कि शेयर सेल किया जाएगा, तो 87% का स्टेक प्रमोटर के पास था, जो कि आप देख भी सकते हैं कि कितना हाई प्राइस जाने के बाद, और अभी देखा है तो 936 के प्राइस पर जो है कि आप कह सकते हैं शायद वो FS तो नहीं कर सकते, फिर भी जो है कि एक प्रकार से सेलिंग हो रही है। हालांकि दोस्तों अगर आप इसके कंपटीटर देखेंगे तो आपको बड़े बड़े दिग्गज कंपटीटर देखने को मिलेंगे, जो कि किसी समय में बहुत ही मल्टी बैगर बन के साबित हुए थे, और आज भी देखा है तो मल्टी बैगर ही इनको कह सकते हैं। वहीं पे आप देखेंगे दोस्तों तो एथर जो है कि बहुत छोटी कंपनी, जस्ट अभी भी मार्केट में चलना चालू किया है। हालांकि अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ईयर ऑन ईयर मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस भी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही देखने को मिल रहा है। PNL की बात करें तो कंपनी का अभी तक का परफॉर्मेंस दोस्तों अच्छा है, जिस हिसाब से कंपनी तेजी दिखा रही है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो TTM में डाउन देखने को मिलेगा, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भी TTM में डाउन, CGR कंपनी का अच्छा है, रिटर्न इक्विटी की बात करें तो 2015 के आसपास है। यहीं पे अगर हम कंपनी के रिजर्व्स की बात करें दोस्तों तो जिस साइज की कंपनी आप देख सकते हैं कि 1100 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है, और डेट की बात करें तो जीरो आप कह सकते हैं। जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई कंपनी, तो ऐसे में देखा दोस्तों देखिए बहुत सारी कंपनियों हमने देखा है कि FIs DIs अभी तक आपको देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन इस कंपनी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे FIs और DIs दोनों देखने को मिल रहा है। रही बात पब्लिक की, तो पब्लिक ने माल को सेल किया। स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि देखिए जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है तो मेरे पॉइंट से चाहे तो आप होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल रिटेलर के पास पुरानी होल्डिंग्स होगी, जो भी बाइंग करेगा दोस्तों अभी रिसेंट में ही बाइंग करना मतलब करने की सोच रहा होगा, क्योंकि स्टॉक जो है कि ऑल टाइम हाई पे है। हालांकि दोस्तों से बताना चाहता है जो कंपनी QIP ला रही है तो 936 रुपये इस कंपनी ने फ्लोर प्राइस फिक्स किया, तो आने वाले समय में हो सकता है कि मतलब जब उसका पूरा खत्म हो जाएगा दोस्तों, मतलब जब पूरा शांत हो जाएगा माहौल, तब देखा जाए तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1000 के नीचे भी ट्रेड कर सकती है। हालांकि दोस्तों अगर हम तेजी की बात करें तो जिस टाइप की इस समय तेजी देखने को, ये स्टॉक हो सकता है कि 1200 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।